अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओशा जनरल इंडस्ट्री का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी। तो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर का है क्या चीज़। बेसिकली किसी भी गैस को जब कंप्रेस प्रेशर के जरिए उसको प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन की जाती है उसकी, तो उसको हम कंप्रेस्ड गैस बोलेंगे। उसके बाद जिन कंटेनर्स के अंदर इस कंप्रेस्ड गैस को स्टोर किया जाता है उसको हम कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर बोलते हैं। अब हमने पढ़ना यह है कि जो कंप्रेस्ड गैस के सिलेंडर हैं इनकी सेफ्टी किस तरह से हम करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और आपको इसके लेक्चर जो है वो बाय पार्ट्स मिलेंगे। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे पहले तो यही कि कंप्रेस गैस सिलेंडर है क्या चीज, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गैस सिलेंडर्स और फिर सेग्रीगेशन ऑफ गैस सिलेंडर। तो ये तीन चीजें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब जो कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी है इसमें एक चीज मैं बताता चलूं जो इसमें मेंशन नहीं है, आपके पास आप लेक्चर को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे होपफुली, तो आप एक चीज जो है ना अपने पास राइट डाउन कर लें, तहरीर कर लें, वो ये है कि अब ये कंप्रेस जब किया जाता है ऐसा नहीं कि कंप्रेस करते रहें जितना मर्जी बढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। ऐसी सूरत में भी ज्यादा कंप्रेशन के नतीजे में भी सिलेंडर ब्लास्ट कर सकता है। होता क्या है, इसको भी मेजर करके कंप्रेशन इसकी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, इसकी मेजरमेंट यूनिट को किलो पास्कल्स बोलते हैं या हम उसको PSIG बोलते हैं। PSIG क्या है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज। इसकी मदद से हम इसको मेजर कर लेते हैं और एक खास मिकदार में ही इन सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस गैस को स्टोर किया जाता है। अब जी मैनी इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी ऑपरेशन रिक्वायर द यूज ऑफ कंप्रेस गैस फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन। अंडरस्टूड है, इंडस्ट्रियल हैं, केमिकल उनको रिक्वायर्ड है, लेबोरेटरीज के अंदर रिक्वायर्ड है, तो वो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स की, एक भी नहीं डिफरेंट टाइप्स की उनको गैसेज रिक्वायर्ड होंगी। कंप्रेस गैसेज प्रेजेंट अ यूनिक हैजर्ड, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर गैस देर इज अ पोटेंशियल फॉर सिमल्टेनियस एक्सपोजर टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल हैजर्ड्स गैसेज में भी। अब क्या है जी, उसका मैकेनिकल हैजर्ड भी है और केमिकल हैजर्ड भी है। गैसेज कौन कौन सी हैं, अब ये गैसेज को कैटेगराइज किया गया है। जो लोग देख चुके हैं अपना IEDC रिक पास का एजुअस केमिकल का लेक्चर, उसमें ये बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था और इसमें भी बड़ी डिटेल से मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। फ्लेमेबल और कंबस्टेबल, ऐसी गैस जो शोला पकड़े, जो आग लगने में जलने में मावन साबित हो, एक्सप्लोसिव, धमाका खेज, ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन की ज्यादती का सबब बने, क्रोसिव पॉइजनस, क्रोसिव तो होगी वो गैसेस आपकी जो जंग आलूदा करती हैं, ठीक है, और पॉइजनस जहरीली गैसें। उसके बाद इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जी नॉर्मली वो गैसेज है जो हमें टेक्निकली जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। किस हालत में नुकसान नहीं पहुंचाती, नॉर्मल हालत में, अदरवाइज किसी के साथ मिल जाएं या किसी के रिएक्शन में तो फिर हमें किसी भी चीज का सामना करना पड़ सकता है। इनर्ट गैसेस में ज्यादातर ये आपकी नाइट्रोजन वगैरह या आर्गन गैस ये जो एनवायरमेंट में मौजूद है ये सब आपकी इनर्ट गैसेज में कंसिडर होंगी। कार्सिनोजेनिक वो आपकी गैसेस होती हैं जो कैंसर का सबब बनती हैं। आर कॉम्बिनेशन ऑफ हैजर्ड, अंडरस्टूड है, जब एक से ज्यादा मिलेंगी तो कई दफा रिएक्शन में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, केमिकल प्रोसेस, और वो रिएक्शन प्रोसेस के नतीजे में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और इनका ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो फायर और ब्लास्ट है। Since the gases are contained in heavy, highly pressurized metal container, the large amount of potential energy resulting from compression of the gas makes the cylinder a potential or fragmentation bomb. Understood hai? मैंने जिससे पहले बताया कि ये जब आपका प्रेशर से आपने भरे नहीं जाना, ये ना हो कि वो ट्रेवल करने से पहले ही आपका ब्लास्ट करके पड़ा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, आप फ्रेगमेंटेशन बम्प, वो होता है जो बिल्कुल टुकड़ों में आपका ना टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हिस्सों में बांटने को बोला जाता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस सिलेंडर, फ्लेमेबल गैसेस जो ऊपर डिस्कस किया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग गैसेस,
जो ऑक्सीजन का सबब बने, और ऑक्सीजन आपको पता है फायर ट्रायंगल का हिस्सा है, तो वो हेल्प आउट करेगी आग लगने में. देन एसिडिक एंड अल्कलीन गैसेस, हाईली टॉक्सिक गैसेस, जहरीली क्रायोजेनिक लिक्विफाइड गैसेस और इनर्ट गैसेस, ये आपकी क्लासिफिकेशन है. अब जिस तरह इनकी क्लासिफिकेशन है, इसी तरह इनकी होगी सेग्रीगेशन ऑफ गैस सिलेंडर. देखिये, बड़े एहतियात के साथ मैं बड़ा स्लोली इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं. इसकी रीजन ये है कि नॉर्मल सेफ्टी पढ़ना, नॉर्मल रिस्क असेसमेंट पढ़ना, डेफिनेशन, वो और चीज है. ये वो चीजें हैं जिनकी असल में आपका सामना वर्क प्लेस के ऊपर असल में इन चीजों से पढ़ना है. तो जब इन चीजों से पढ़ना है, तो इनके बारे में आपको मुकम्मल अवेयरनेस, मुकम्मल आगाही लाजमी है. उसकी वजह यह है कि आपसे वर्क प्लेस के ऊपर को ये नहीं पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट अस नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गैस सिलेंडर. आपने वहां पे प्रैक्टिकली उसको देखना है, उसकी हैंडलिंग में आप इन्वॉल्व हैं, आपको उसके हैजर्ड्स का, उसकी सेफ्टी का टेक्निकली पता होना चाहिए. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सेग्रीगेशन ऑफ गैस सिलेंडर. अब सेग्रीगेशन क्यों है, मैं पहले बता चुका हूं, जब एक से ज्यादा मिलेंगी तो फिर वहां पे रिएक्शन के नतीजे में भी ब्लास्ट होंगे, एक्सप्लोसिव अपना जो है ना एक्सपोजर होंगे ऐसे, जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने क्या करना है कि इन सिलेंडर्स को टेक्निकली टाइप वो है, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट लेबोरेटरीज में, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के दौरान जो है इंडस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आपके केमिकल्स यूज होते हैं, गैसेस यूज होती हैं. तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट किया. जो टेक्निकल क्लासिफिकेशन थी उसको भी हमने और इलाबोरेट किया कि कितनी तरह के गैस सिलेंडर्स हो सकते हैं, और फिर हमने उनको सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट मतलब अलग अलग, उनके जो गैस के इसके जो अपना सिलेंडर केज होते हैं वो हमने अलग अलग रखने हैं. अगर हम एक केज में, सिलेंडर केज के अंदर ऑक्सीजन रख रहे हैं, तो दूसरे में हम उसी में दूसरा कोई नहीं रखेंगे, बल्कि कुछ फासले पे. और इवन ये होता है जितना एसडीएस होता है उसकी स्टोरेज ही डिफरेंट प्लेसेस पे होती है, स्कैटर होती है, फैली हुई होती है डिफरेंट जगह. अब जी सेग्रीगेशन ऑफ गैस सिलेंडर करते हुए आपने तसल्ली कर लेनी है, आपने अपनी तरफ से कैटेगरी नहीं बनानी है, जो कैटेगरीज हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए इन सिलेंडर्स को आप सेग्रीगेट करेंगे. नंबर वन, फ्लेमेबल्स, जो शोला पकड़ लें फौरन, जिनको नेकेड फ्लेम मिलने की देर है और वो ब्लास्ट कर सकते हैं, ये फायर वहां पे, फायर का हैजर्ड मौजूद है. मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, रिएक्टिव गैसेस जो किसी के साथ मिलेंगी और कोई कारनामा सर अंजाम दे देंगी, एसिडिलीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरो एथिलीन, ये डिफरेंट कंपोजिशन में है. इसका अभी हमारे पास जो है इसकी कंपोजिशन कैसे है, जिस तरह मीथेन, मीथीन, प्रोपेन वगैरह, ये चीजें इंशाल्लाह डिस्कस होगी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में. तो यहां पे जिस हद तक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपके साथ लाजमन शेयर होगी जी. अच्छा जी, ऑक्सीडाइजर्स जो ऑक्सीजन का सबब बनेंगे, तो ऑक्सीडाइजर्स आपको पता है ऑक्सीजन का सबब बनेंगे, तो फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है. तो ऐसी जगह पे ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए जहां पे आग लगी, तो ये तो और बढ़ावा देंगे उस आग को. हाइड्रोजीन, हाइड्रोजन, क्रोसिव को अलग, अमोनिया, मिथिलामाइन और क्लोरीन, और लास्ट वन ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम फ्लेमेबल बाय मिनिमम ऑफ 20 फीट. मैंने अभी आपको बताया इसकी स्टोरेज बिल्कुल ही सेपरेट होगी. उसकी रीजन यही है कि ये आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स हैं, ये फ्लेमेबल को तो आग लगना, एक्सप्लोसिव होना ठीक है, लेकिन वो तो ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट होने के बाद जितना उसने नुकसान किया कर दिया. ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करते हैं, अगर ये फ्लेमेबल गैसेस के पास पड़े होंगे तो ये वो एक बार के ब्लास्ट को फिर ये हवा देंगे. हवा कैसे देंगे कि मजीद चीजों की तरफ लेके चलेंगे, और उसके नतीजे में मजीद आपकी आग जो है फैलती चली जाएगी. इस टॉपिक के अंदर ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी थी कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी के अंदर. आज के टॉपिक में हमने ये चीजें डिस्कस करनी थी. मजीद इसकी सेग्रीगेशन के बाद डिटेल सेफ्टी क्या है, कैसे मैनेज, कितने हैजर्ड, किस तरह कंट्रोल में ये रहा, वो इससे अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.